नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इतिहास की सीरीज चल रही है, MCQs हो रहे हैं उससे संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी चैप्टर होंगे उनसे संबंधित MCQs कराए जा रहे हैं। दोस्तों, तो इससे पहले हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग दोस्तों वैदिक सभ्यता एक अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, उससे संबंधित जितने भी MCQs बनेंगे दोस्तों वो आज हम आपको कराएंगे। दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले जिस चैप्टर के MCQs होना है उसका नाम है वैदिक काल, वैदिक पीरियड, जो उसका आज फर्स्ट पार्ट होगा। दोस्तों, क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहले जिन लोगों ने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, फेसबुक आईडी से भी जुड़िएगा, और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल में सिलेक्शन मेंटर नहीं सर्च किया वो सर्च कर लीजिए। जल्दी से आपको सारे चैप्टरों के जो है MCQs जो है डाले जा रहे हैं, और जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए जो है आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। और ये हमारे कोचिंग के फाउंडर वीरज सर जी हैं। इसके बाद आप यूपी टेट की भी तैयारी अगर कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, UP SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल तैयारी कर रहे हैं, पुलिस तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जामों की आगामी परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करते रहते हैं, तो उनसे संबंधित आपके जो MCQs कराए जा रहे हैं बहुत ही बेनिफिट होंगे आपके लिए जो है। तो जल्दी से अभी जिन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं जो है हमारे सिलेक्शन मेंटर के नाम से सर्च किया जल्दी से सर्च कर दिया जाए, डेली आपको वीडियो जो है प्राप्त होते रहेंगे इसी प्रकार। तो चलते हैं अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों? ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास सोम देवता, दूसरा अग्नि देवता, तीसरा इंद्र देवता और चौथा सूर्य देवता। ये चार ऑप्शन हैं और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, तो इसमें सही होगा सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? दोस्तों, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र लिया कहाँ से गया है? तो गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से दोस्तों लिया गया है। ऋग्वेद से सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन वेद इसकी जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी सप्त सैंधो प्रदेश में। कहाँ हुई थी? सप्त सैंधो प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद की रचना हुई थी दोस्तों सप्त सैंधो प्रदेश में हुई थी दोस्तों ऋग्वेद। इसी के आधार पर जो है हम लोग वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता के काल में विभक्त कर लिया वैदिक सभ्यता से, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। और सोम देवता के बारे में क्या है कि सोम देवता जो है किसके लिए? ये नवामंडल ऋग्वेद का नवामंडल सोम देवता को समर्पित है। और ये जो है नशे युक्त देवता है, नशे युक्त देवता के रूप में इनका नाम दिया गया है, ठीक है, सोम रस के देवता हैं ये, इसलिए इनका नाम सोम देवता पड़ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये नशे वाले देवता के नाम से इनका नाम पड़ गया। अग्नि देवता, तो अग्नि देवता जो है वो ऋग्वेद में दोस्तों इनका स्थान जो है वो सेकंड है, इनका स्थान सेकंड है। और इंद्र देवता, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, महत्वपूर्ण देवता, किस काल के? ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, क्योंकि इनका उल्लेख जो हुआ है वो 250 बार करीब हुआ है, इसलिए सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं इंद्र। और इंद्र को क्या क्या कहा जाता है? पुरंदर का देवता कहा जाता है, ठीक, युद्ध का देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं। और चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों
कि ऋग वैदिक काल में किसकी पूजा देवी के रूप में नहीं हुई, किसके रूप में, देवी के रूप में नहीं हुई। पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन उषा, तीसरा ऑप्शन अरयानी और चौथा ऑप्शन गंगा। ये चार ऑप्शन है आपके पास और जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इसमें। तो इसमें सही नहीं है दोस्तों गंगा, गंगा की जो है देवी के रूप में पूजा नहीं हुई। देखिए पृथ्वी की उर्वरता के रूप में हुई, उर्वरता के रूप में हुई, ता के रूप में हुई, ठीक है। उषा की भी, उषा देवी थी, उषा देवी थी, ठीक है। उषा देवी मतलब सूर्य की पत्नी थी ये, सूर्य की पत्नी थी ये उषा, इनकी भी पूजा देवी के रूप में हुई और इन्हें वन की देवी कहा जाता है। अरयानी को वन की देवी थी, जंगलों की देवी थी, परंतु जो गंगा थी वो देवी किसकी थी जल्दी बताइए, मतलब पूजा देवी के रूप में नहीं हुई इनकी, वो थी गंगा। और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, एक बार। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, दूसरे क्वेश्चन का डिस्कस पूरा कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख, अब देखिए आपको भी बताया है कि गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, दो बार, एक बार, तीन बार, अनेक बार। तो ये चार ऑप्शन में, पहला दो बार, दूसरा एक बार, तीसरा तीन बार और चौथा अनेक बार। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, एक बार, एक बार गंगा का उल्लेख हुआ है और तीन बार जो हुआ है वो यमुना का उल्लेख हुआ दोस्तों। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तीन बार हुआ दोस्तों, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि वैदिक कालीन आर्यों ने किस नदी का विद्या की देवी के रूप में पूजन किया, विद्या की देवी के रूप में पूजन किया। जैसे पहला सरस्वती, दूसरा गंगा, तीसरा सिंधु और चौथा कुर्रम। मतलब कह रहा है किस नदी का विद्या की देवी के रूप में पूजन किया, विद्या की देवी के रूप में कौन थी, सरस्वती नदी, कौन थी, सरस्वती नदी। तो ये चार ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन सही होता है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी जो थी वो ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी थी। कौन, सरस्वती नदी। गंगा नदी कोई उल्लेख नहीं, केवल एक ही बार उल्लेख है। सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी थी दोस्तों, महत्वपूर्ण नदी थी किस काल में, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन क्लियर होता है और चलते हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है दोस्तों। तो किस देवता को समर्पित है, पहला ऑप्शन इंद्र को, दूसरा ऑप्शन सोम को, तीसरा ऑप्शन अग्नि को, चौथा ऑप्शन वरुण को। तो ये चार ऑप्शन में एक कोई ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें अभी आपको डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, सोम देवता जिसे नशे वाले देवता के रूप में जाना जाता है और ये नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है दोस्तों, ठीक है। और इंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं, ये महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के, क्या थे, महत्वपूर्ण देवता थे, वर्षा के देवता थे, पुरंदर कहा जाता था इनको, हाँ। इसके बाद अग्नि के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, आकाश और पृथ्वी के बीच में ये मध्यस्थता का काम करते थे अग्नि, ठीक है ना। अग्नि महत्वपूर्ण देवता थे मगर इनका स्थान दूसरा आता है ऋग्वैदिक पीरियड में। वरुण देवता थे जो अग्नि के बाद तीसरा स्थान आता है वरुण का। इस प्रकार फाइव नंबर क्वेश्चन का डिस्कस कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। और सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। एक दशराग युद्ध हुआ था दोस्तों, अब आपको बता दें ये दशराग युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस अभी करेंगे, जिसमें चार ऑप्शन आपके पास हैं, प्रथम मंडल, फिर है सप्तम मंडल, सी नंबर में चतुर्थ मंडल, डी नंबर ऑप्शन में तीसरा मंडल। तो ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए ऑप्शन आपका कौन सही हो रहा है दोस्तों।
तो अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सप्तम मंडल। देखिए सातवें मंडल में ही दशराग युद्ध। अब हम लोग दशराग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, दशराग युद्ध के। अब देखिए दशराग युद्ध, तो सबसे पहले ये पता करेंगे किस नदी पर लड़ा गया। तो किस नदी पर, तो आपको बता दें ये परुषणी रिवर पर लड़ा गया, परुषणी नदी, जिसे आज हम लोग जानते हैं। ये पुराना नाम था इसका, इसका क्या नाम था? पुराना नाम था, ठीक। आज क्या नाम है इसका? रावी, ठीक है। इसका क्या नाम है? रावी नदी नाम है, समझ गए होंगे, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक। इसके बाद किनके बीच हुआ, अब बात आती है किनके बीच हुआ। तो किनके बीच हुआ, तो आपको बता दे कि इसमें 10 जन थे, 10 जन। वो 10 जन में क्या थे? 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, ठीक है। जो 5 आर्य गोरे थे और 5 जो अनार्य थे दोस्तों वो थे काले, ठीक है। दो रूपों में विभक्त थे ये लोग, ठीक। प्लस राजा सुदास। अब राजा सुदास के बीच लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास क्या हुआ? विजय प्राप्त हुई। राजा सुदास की विजय प्राप्त हुई दोस्तों। तो इस प्रकार दशराग युद्ध के बारे में वर्णन आपको किस मंडल में है? सप्तम मंडल में है, क्योंकि ऋग्वेद के 10 मंडल है और ऋग्वेद के 10 मंडल के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई दोस्तों? गद्य और पद्य दोनों में की गई। तो पहला ऑप्शन आपके पास ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन आपके पास यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन आपके पास सामवेद और चौथा ऑप्शन आपके पास अर्थवेद। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास और 4 ऑप्शन, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका। तो आपको हम बताने वाले हैं यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्मकांडी वेद। क्या कहते हैं? कर्मकांडी वेद दोस्तों कहते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। ऋग्वेद के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। चारों वेदों में सबसे पहले खोजा गया है, सप्तसिंधु प्रदेश में इसकी रचना हुई है, ठीक है। इसके बाद तीनों वेदों की जो गणना है, जिनके वेदों की जो रचना हुई है, तो वो ऋग्वेद के बाद हुई है। ऋग्वेदिक पीरियड से बाद उत्तर वैदिक पीरियड आता है, उसमें जो है ये तीनों को रचित किया गया है, रचना की गई, कंपोस्ट किया गया है। तो आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। सामवेद, इसमें गायन शब्द का वर्णन है दोस्तों। तो इस प्रकार, और चौथा अर्थवेद है। तो अर्थवेद जो है, तो अर्थवेद में जादू टोना संबंधित जिक्र है, ठीक है। और हम कह सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा संबंधित भी प्रावधान है किसमें? अर्थवेद में, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद में किस संस्था का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? तो देखिए, पहला है वितथ, दूसरा है सभा, तीसरा है समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए वो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो सर्वाधिक बार जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो वितथ संस्था का मिलता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं वितथ संस्था क्या थी। तो वितथ ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी। सबसे पहले आर्यों की प्राचीन संस्था थी, सर्वाधिक बार इस संस्था का प्रयोग किया गया, तो ये महत्वपूर्ण संस्था थी आर्यों की, ठीक है। लूटी हुई वस्तुओं का बंटवारा होता था इसमें, अब बंटवारा का मतलब क्या होता है? युद्ध में जीतने के बाद जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उनमें बंटवारा होता था दोस्तों, ठीक। तो ये वितथ के बारे में आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सभा के बारे में। सभा एक प्रकार के क्या थी?
श्रेष्ठ संस्था थी। ये श्रेष्ठ संस्था थी मतलब विशेष लोगों की संस्था, जिसे हम लोग कह सकते हैं विशेष लोगों की संस्था, विशेष लोगों की संस्था। फिर आपको एक चीज बता दें, जैसे आज आप लोग जानते हैं लोकसभा के बारे में, ये समझो एक प्रकार की लोकसभा ही थी, ठीक है, असेंबली। फिर कमेटी एक समिति थी, समिति। अब समिति के बारे में अगर आपको हम बताएं कि समिति क्या थी, तो समिति एक प्रकार की जनों की सभा थी, एक प्रकार की आम लोगों की सभा थी, आम लोगों की सभा थी, आम लोगों की सभाएं थी, सभा थी, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से। और सभाओं में भाग लेने के लिए महिलाओं का जिक्र मिलता है कि महिलाएं इस पीरियड में पार्टिसिपेट करती थी सभाओं में, इसलिए महिला अभी भी उनका स्थित बेहतर रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में यक्षमा क्या था, यक्षमा एक प्रकार का क्या था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, यक्षमा एक प्रकार का क्या था, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यक्षमा एक प्रकार का क्या था। तो पहला ऑप्शन आपके पास धातु थी, दूसरा ऑप्शन एक देवी थी, तीसरा ऑप्शन आपके पास जानवर था, और एक प्रकार की क्या थी, ये बीमारी थी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करें, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चौथा एक प्रकार की क्या थी, ये बीमारी थी। यक्षमा एक प्रकार की क्या थी दोस्तों, बीमारी, जिसे हम लोग कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं दोस्तों, टीबी कहते हैं यक्षमा, उस समय उसको यक्षमा कहा जाता था, आज हम लोग जानते हैं टीबी, ठीक है। तो एक प्रकार की क्या थी, ये एक प्रकार की बीमारी थी। तो इस प्रकार 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली कन्या जो बिना शादी के रहती है जिंदगी भर, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, पहला है दुहिता, दूसरा है अमाजू, तीसरा है गोपा, चौथा है कुलप। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर सही होगा, अमाजू, अमाजू सही होगा। जो अविवाहित रहती थी जिंदगी भर महिला, उसे कहा जाता था अमाजू। दुहिता शब्द क्या, किसके लिए आता है, जो गाय को दुहती थी, जो गाय को दुहती थी, दुहती थी, उसे कहा जाता था दुहिता, ठीक है, जो गाय को दुहती थी। इसके बाद गोपा, देखिए राजा को ही राज, मतलब जनों की जो रक्षा करता था, जनों की जो रक्षा करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। और राजा को ही राजन कहा जाता था, ठीक है, राजन कहा जाता था या गोपा कहा जाता था, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुलप, कुलप क्या था। तो कुलप एक प्रकार का परिवार का मुखिया था, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था दोस्तों, परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक हमारा एक क्वेश्चन यहां पर नहीं है, 11 नंबर और 12 नंबर है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, आयस। अब देखिए आयस शब्द आ गया है, तो आप लोगों को यदि पता हो तो जल्दी से आप लोग आंसर को दे दिए होंगे, ठीक है, आयस शब्द, ठीक है। जिनका भी नहीं आया वो हम आपको डिस्कस कर बताते हैं, आयस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, धातु के लिए, दूसरा है देवता के लिए, तीसरा है फसल के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए कौन सा आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये धातु के लिए प्रयोग करते थे, किसके लिए, धातु के लिए प्रयोग करते थे।
तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किन किन धातु, जैसे तांबा, तांबा तांबा और कासे, तांबा और कासे के लिए उस समय आयस शब्द का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? आयस शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यह धातु के लिए प्रयोग होता था, आयस शब्द का प्रयोग धातु के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। परंतु ये आगे चल के जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ते हैं दोस्तों, तो वैदिक काल में यही आयस शब्द जो है इसको क्या कहा जाता था, ये लोहे के लिए प्रयोग होता था, तो इसलिए इसको कृष्ण आयस बोला जाता था, ठीक है, या श्याम आयस बोला जाता था, श्याम आयस बोला जाता था। और उस समय यह लोहे के लिए प्रयोग होता था, लोहे के लिए। और यहां पर किस धातु के लिए प्रयोग हो रहा है, किस धातु के लिए प्रयोग हो रहा है, तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो समझ गए होंगे आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन, और चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि ऋग्वैदिक काल में भीषज कहा जाता था। अब भीषज कौन सा शब्द था, किसके लिए प्रयुक्त किया गया ऋग्वैदिक पीरियड में, देखते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास, पहला कारीगर, दूसरा राजा, तीसरा भेड़ पालकों को, और चौथा वैद्य को। वैद्य का मतलब जो है चिकित्सक को, उस समय का चिकित्सक को, ठीक है। तो इसमें बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों, चौथा, वैद्य को मतलब डॉक्टर को जो है भीषज शब्द कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भीषज शब्द कहा जाता था। यदि अगर इसका उल्लेख पूछा जाए तो तैतरी उपनिषद में मिलता है दोस्तों। कहा, किसमें मिलता है? तैतरी उपनिषद में मिलता है। तैतरी उपनिषद में जो है भीषज शब्द का, एक डॉक्टर, एक चिकित्सक शब्द का प्रयोग मिलता है। आज जैसे हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग आयुर्वेदक बोलते थे, ठीक है, इससे पहले आज हम लोग डॉक्टर जानते हैं। अब उस समय में लोग भीषज शब्द से इसका उपयोग करते होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि ऋग वैदिक काल में सिकता का संबंध था, सिकता का संबंध था औजारों से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन संस्कार से, तीसरा विदुषी कन्या से, और चौथा मुद्रा से। तो जल्दी से बताइए किसके लिए ये प्रयोग किया गया दोस्तों, ठीक है ना, सिकता शब्द। तो इसमें ऑप्शन सही हो रहा है सी नंबर, विदुषी कन्या के लिए। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक काल में ठीक है, ऋग्वैदिक काल में 20 विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया है, विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया है दोस्तों, ठीक है ना, और जिन्हें क्या कहा जाता था, सिकता कहा जाता था, ठीक है, और ये एक विदुषी कन्या थी दोस्तों, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऋग्वैदिक काल में हल को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में दोस्तों, हल को क्या कहा जाता था। आज तो हम लोग हल जानते हैं ना, कल क्या कहा जाता था, उस पीरियड में क्या कहा जाता था, वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था। तो पहला हील, दूसरा ऑप्शन लांगल, तीसरा ऑप्शन हील, और चौथा ऑप्शन गोधूम। तो इस चार ऑप्शन में जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो अब हम आपको बताने वाले इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो वो होगा लांगल। लांगल को ही भैया हल कहा जाता था, ठीक है, लांगल पहले लांगल कहा जाता था, आज हम जिस वर्ड को जानते हैं वो है हल। क्या है? हल, जिससे खेत जोता जाता है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो ये आज की सीरीज हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। इस पर किसी प्रकार के अगर आपके पास डाउट्स हैं कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आपको हम डिस्कस आपके साथ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, उसके सारे डिटेल्स कंप्लीट करेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हमारे सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर ले, शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, और इसके बाद सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हमारे लेक्चर के, हमारे वीडियो के, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।